lying to him now. कल कलकत्ता में सीबीआई के अधिकारियों को उनको लाफुल ड्यूटीज को करने से न केवल रोका गया बल्कि उन्हें कलकत्ता पुलिस द्वारा पुलिस थाने में डिटेन किया गया। मैं समझता हूं कि ऐसी घटना देश के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड है। जैसा कि इस कदम को अवगत होगा, सीबीआई को शारदा स्कैम की जांच करने की जिम्मेदारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है। शारदा स्कैम में पूर्वी भारत के और विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल के लाखों गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई को शारदा ग्रुप द्वारा हड़प लिया गया। शारदा ग्रुप की विभिन्न कंपनियों द्वारा बहुत सारी ड्यूबियस मनी मल्टीप्लायर स्कीम के माध्यम से आकर्षक रिवार्ड एंड रिटर्न का लालच देकर बहुत सारा धन अध्यक्ष महोदय इकट्ठा किया गया। जब इस कंपनी द्वारा लोगों का धन वापस नहीं किया गया तो लाखों पीड़ितों के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, विरोध लोगों ने दर्ज कराया। इससे पश्चिम बंगाल के जन सामान्य में भी व्यापक नाराजगी हुई है। शारदा स्कैम का मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ले जाया गया और 2014 में इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले के इंटर स्टेट होने के कारण, इसमें इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग होने के कारण और साथ ही साथ सीरियस रेगुलेटरी फेलोर्स होने के कारण और मामले के अभियुक्तों के एलिगेड पॉलिटिकल नेक्सस के होने के कारण सीबीआई के जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में इस बात का अध्यक्ष महोदय उल्लेख किया है कि अब तक की गई जांच से इस मामले में कई राजनीतिक एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के शामिल होने की बात का पता चला है, जो समाज में व्यापक क्लाउड और अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। दिनांक 3 फरवरी 2019 को शाम 5:45 पर सीबीआई के अधिकारियों की एक टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के निवास पर इस स्कैम की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए गई थी। इन अधिकारियों को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा न केवल रोका गया बल्कि इन अधिकारियों को बलपूर्वक पुलिस थाने ले जाया गया। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि सीबीआई टीम सीधे पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए चली गई थी। सीबीआई को मजबूरन ऐसा करना पड़ा क्योंकि पुलिस कमिश्नर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और सीबीआई के द्वारा लगातार सम्मन किए जाने के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हो रहे थे। हालात इतने गंभीर हो गए कि हमें सीबीआई के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की अध्यक्ष महोदय तैनाती करनी पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के भी ऐसा टकराव न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, यह देश के फेडरल और यह पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक गंभीर खतरा भी है। यदि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, चाहे वह केंद्र सरकार की हो अथवा वह राज्य सरकारों की हो, तो अपना विधिसम्मत कार्य करने से रोका जाए तो इससे घोर अव्यवस्था पैदा होगी और संविधान में उल्लिखित ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन भी इससे रुकेगा। संविधान में पुलिस और पब्लिक ऑर्डर यह राज्य के सब्जेक्ट है और हम केंद्र सरकार में इस संबंध में राज्यों के अधिकार का सम्मान भी करते हैं, तथा संविधान ने केंद्र सरकार को यह जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि देश का शासन संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार चलाया जाए। जहां तक सदन का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, यह सदन इस बात से अवगत होगा द्वारा जांच या तो राज्य सरकारों के जनरल अथवा स्पेशल कंसल्ट के बाद अथवा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही की जाती है। इस मामले में देश की हाईएस्ट कोर्ट ने सीबीआई को मामले की फेयर प्रोब को ध्यान में रखते हुए ही यह जांच का आदेश दिया था। मुझे यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है अध्यक्ष महोदय कि कल जो भी घटनाएं हुई हैं वह एक तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाओं के टूटने की ओर संकेत कर रही हैं। मैंने इस संबंध में पश्चिम
पश्चिमी बंगाल के महामहिम राज्यपाल महोदय से भी चर्चा की है और राज्यपाल महोदय ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस को बुलाया है कि इस मामले में उत्पन्न एजेंसियों के टकराव को दूर किया जा सके और सीबीआई के अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। मैंने इस मामले में महामहिम राज्यपाल को यह भी कहा है कि पूरे मामले की एक रिपोर्ट वह भेजने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, मैं अपील करना चाहता हूं वहां की सरकार से, वहां के मुख्यमंत्री से कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ठीक तरीके से काम करने का वह अवसर प्रदान करें। अतः मैं इसी अपील के साथ राज्य में देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को सुचारू रूप से काम करने देने के लिए सभी राज्य सरकारों से भी अपेक्षा करता हूं और हम मुझे उम्मीद है कि हमारी पश्चिम बंगाल की सरकार भी इन सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को सुचारू रूप से काम करने के लिए जो आवश्यक माहौल चाहिए वह उपलब्ध कराने में वह पूरी तरह से सहयोग करेंगे ताकि सारी यह एजेंसियां निष्पक्ष और निडर होकर जांच करने में कर सके और देश में कानून का शासन स्थापित करने में मिल सके। धन्यवाद।